का स्वागत है मेरे चैनल रंगशन फैंडम में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेकिन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, या ये कह दीजिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने, कमेंट मतलब मेरे से पर्सनल इंस्टा पे बात करते हुए बोला कि लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा शायद रूडली बोल दिया कि मुझे सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, बट आप समझिए, मैं वो नहीं चाहती कि मैं बार बार हर वीडियो में कहूँ प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं एक अच्छा काम करूँगी तो खुद ब खुद लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं बोलती प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, लेकिन हाँ लाइक्स के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी वीडियोज़ 2000 आराम से टच कर लेती हैं, चाहे 4-5 दिन बाद ही करें लेकिन वो कर लेती हैं। तो और लाइक्स मुझे सिर्फ 300 मिलते हैं। अगर आप रेशो देखो तो थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आप देख सकते हैं पसंद आ रही है तो एक लाइक भी कर दीजिए, इसलिए मैंने बोला था। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मेरे चैनल को ग्रोथ देगा ही। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इस चैनल की वीडियोस मुझे अच्छी लगती है, तो ही आप सब्सक्राइब करना। पर वीडियोस तो आप हर वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सॉरी लाइक कर सकते हैं। चलिए आप वापस आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीन बिना लंगवांगे से मिले वापस अपने क्लैन चला गया था। वहीं शोशे और शुयांग को उनकी गलतियों की बहुत अच्छे से पनिशमेंट मिलती है। ये उन्हें वापस उन पनिशमेंट देके उनके क्लैन भी भेज दिया जाता है। अब आगे वीर चांद से और चांसा सरन वापस अपने क्लैन आते हैं अपने प्यारे से बेटे से मिलने। उन्हें पता है कि विंग ने आज बहुत बहादुरी का काम दिया, अपने दुख में अपने दर्द को किसी को भी नहीं शो किया और बहुत अच्छे से सबको गुड बाय किया ताकि कोई भी उसका दोस्त उसके लिए परेशान ना हो। जब भी कोई उससे पूछता था तो वो यही बोल देता था कि उसने शायद थोड़ा ड्रिंक कर लिया, इसलिए उसने वो हरकत की। उसने किसी को नहीं बताया कि किस तरीके से बाद में उसने अपने शरीर को नोचा और उसे कितने एक्सट्रीम सर में पेन भी है। बस वो स्माइल करके सबके क्वेश्चनों का आंसर देके उन्हें वहाँ से भेज दिया। लेकिन अब वो घर आके चुपचाप से अपने कमरे में बैठा है। मीन को इस चीज़ से ज़्यादा दर्द वो अक्षय फेस दिख रहा है, वो फेस दर्द दे रहा है जो उसने लास्ट टाइम वांगजी का देखा था जब वांगजी उस रूम से बाहर गया था। वो अपनी जिंदगी से बाहर जा रहा था। वो गुस्सा, वो नफरत जो उसने वांगजी की आंखों में देखा, वो चीज़ उसे ज़्यादा दर्द दे रही है। वो बेचारा मासूम भोला सा इंसान ये भी नहीं समझ पा रहा कि वो गुस्सा, वो नफरत विंग के लिए नहीं बल्कि विंग के साथ जिन लोगों ने गलत किया था उनके लिए थी। लेकिन विंग को अभी तक ये बात बताई कौन? वांगजी थोड़ी उसे खुद बताएगा। और इंसान तो किसी भी चीज़ को कैसे भी समझ सकता है। उसकी आँखों के सामने जो चीज़ है उसे देखने का नज़रिया उसका दिमाग होता है। मान लीजिए एक गिलास पानी आधा भरा हुआ रखा है तो कुछ लोगों को वो आधा खाली दिखता है तो कुछ लोगों को वो आधा भरा हुआ दिखता है। उसी तरह विंग को वो गुस्सा अपने लिए ही दिख रहा है और बेचारा विंग इसी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है। पर जैसे ही चांसे और चांसा सर उसके कमरे में आते हैं तो अपने अपसेट दिल को साइड में रखे हंसते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलना है, 6 महीने बाद वो अपने क्लैन आया है। हाँ, इन 6 महीनों में एक बार भी वो अपने क्लैन नहीं आया था, तो वो उसके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है। वो अपने क्लैन आए हैं अपने पेरेंट्स से मिलके, वो खुश भी होते हैं। वहीं भी जान से और चांसा से वहीं उनके पास आके उसे बहुत सारा प्यार भी करते हैं। वो यहाँ जहाँ पे चांसा से तो कभी उसके हाथों को, कभी उसके फेस को, कभी उसके माथे को, कभी उसके नोज़ को बार बार चूम रही, बार बार किस कर रही, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वही छोटे बच्चों की तरह खिलखिला रहा है और बार बार खुल रहा है। बस मदर, बस अब आप बस ही रुकिए, आप ऐसे ही करते रहोगे क्या? मैं कुछ छोटा बच्चा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं 19 ईयर का हो गया हूँ, 19 साल का, और आप तो जैसे छोटे 2-3 साल के बच्चे होते हैं ऐसे मुझे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। इस बात पर वी चाहते वी के सर पे हाथ फिराते हुए, हमारा इन तो हमारे लिए हमेशा 3 ईयर ओल्ड ही रहेगा। इस बात पर विंग भी हंसते हुए अपने तीनों फिंगर बाहर निकाल के अपने फादर की तरफ देखते बोलते हैं, हाँ 3 ईयर ओल्ड, और हंसने लगता है। अब विंग अपने पेरेंट्स के प्यार में, इन लोगों के हंसी मजाक में शायद भूल गए कि वो थोड़ी देर पहले कितना अपसेट था। विंग का मन ऐसे ही है बच्चों की तरह, कभी वो एकदम से बहुत गुस्सा हो जाता है तो 2 मिनट बाद वो एकदम से किस बात पे गुस्सा था ये भी भूल जाता है। तो वो अभी अपने दर्द को भूल के अपने मदर फादर के इस प्यार में, इस लाड में बहुत खुश है। वी चांसे और चांसा सरन आज उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। चांसा सरन ने देखा है उनके बेटे के बॉडी के उस घाव को जो उनके दिल को बहुत दर्द दे रहे हैं। पूरी दुनिया विंग का मजाक बनाती है, विंग को कुछ भी कहती है,
उस चीज़ से चांसेस से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस चीज़ से उनके बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बेटे को दर्द नहीं होता। लेकिन जो आज हुआ है उससे उनके बेटे को दर्द हुआ है, और उस चीज़ से चांसेस से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ विंग को हर्ट करे, विंग को दर्द दे, चांसेस हैं उस चीज़ से दिल से नफरत करती हैं। यही कारण है कि चांसेस हैं इनका गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो सामने वाला उनके गुस्से के आगे कभी बच नहीं पाता है। आज भी ऐसे ही हुआ, उनके प्यारे से विंग की इस बॉडी पे जिन लोगों ने मार्क दिए थे चांसेस एंड किए, अब उन्हें अच्छे से मार्क दे के काफ़ी खुश है। विंग अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एक साइड टाइम स्पेंड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आंगी जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि विंग वहाँ से जा चुका है, लेकिन विंग का वो नोट आंगी को ज़रूर मिलता है। चलिए इस नोट को पढ़ते हैं। नंजा, मुझे नहीं पता मैंने कल क्या किया है, मुझे कल का कुछ याद नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन आज बहुत अपसेट है। नंजा, मैंने ज़रूर कुछ ऐसा किया है जिससे तुम हर्ट हुए हो। मैंने आज तुम्हारे चेहरे पे वो गुस्सा देखा, और सच कहूँ मुझे उस गुस्से से बहुत दर्द महसूस हुआ। नंजा, मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा किया है जिसे तुम हर्ट हुए हो, जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आया, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरी इस माफ़ी को एक्सेप्ट करना, और अपने इस प्यारे से बचपन के दोस्त को उसकी गलती के लिए माफ़ ज़रूर कर देना। तुम्हारा विंग। मांग जी समझ सकता है कि विंग शायद उसे सॉरी मांग रहा है, लेकिन मांग जी को समझ नहीं आ रहा है विंग इतनी सॉरी क्यों मांग रहा है। विंग तो खुद कल एक विक्टम था, कल तो खुद उसके साथ गलत हुआ था, तो सॉरी तो उन लोगों को विंग से मांगना चाहिए, और विंग उनसे सॉरी मांग रहा है, लेकिन क्यों? विंग की तो कल कोई गलती नहीं थी, उसने तो कल कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, उसने ना ही लंजा के साथ कुछ गलत किया और ना ही किसी और के साथ। हाँ, वो तो बंदा थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए थे, लेकिन विंग ने तब भी वांगी से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रहा था, कोई फोर्स नहीं किया, ज़बरदस्ती उसके साथ किस करने की या उसे बॉडी पे अटैक करने की कोशिश नहीं की, बस रिक्वेस्टेड वे में उसे हेल्प मांग रहा था। विंग ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उसे इतना सॉरी मांगना पड़े। नंजा को विंग का लेटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, विंग का बार बार ये सॉरी मांगना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो भी तुरंत एक पेपर निकाल के खुद सामने बैठ जाता है और एक लेटर लिखता है, लेकिन कुछ सोच के उस लेटर को फोल्ड करके दोबारा से अपने ड्रॉअर में डाल देता है, और उस मन में सोचता है कि वो लेटर नहीं बल्कि खुद विंग से मिलने वीकलैंड जाएगा, उससे बात करेगा, उसे समझाएगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था जिसके लिए वो इतना सॉरी बोले। जहाँ नंजा विंग से मिलने जाने के लिए सोच रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैन रोहन अपनी चाल में आगे बढ़ रहा है। उसने जैसा सोचा था वैसे ही अब वो इन आयरन की पावर को यूज़ करना शुरू कर चुका है। ये इन आयरन काफ़ी टाइम से इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में से छुपा हुआ था, जिसके बारे में वैसे तो सारे क्लैंस अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसे कैसे यूज़ करना है या इस पावर को कोई दोबारा यूज़ कर सकता है इस बारे में वो लोग सोच नहीं सकते थे। लेकिन हमारा सबसे अलग वैन रोहन इन सब के बारे में सोच रहा है, उसे मोस्ट पावरफुल बनना है, उससे इस समय सबसे पावरफुल बनने की जो लालच है उसके अकॉर्डिंग अब वो धीरे धीरे अपनी पपेट आर्मी बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे उसने पपेट आर्मी की जो सेना बढ़ाई है उसके लिए वो सोचता है कि क्यों ना एक साइड से वो एक ऐसे क्लैन के सपोर्ट करें जिस क्लैन के पास पैसा और रुतबा हो, ऐसा क्लैन जो अभी वी क्लैन के अगेंस्ट जा सकता है। और वो कोई और नहीं बल्कि वो जिन क्लैन को सोचता है, वो जिन गौनशान से मिलने के लिए एक लेटर सेंड करता है, वहीं दूसरी तरफ जिन गौनशान इस चीज़ से काफ़ी हैरान होता है। वो सोच नहीं सकता था कि वैन रोहन उससे मिलने के लिए इंटरेस्ट शो करेगा, लेकिन वो अब इस लेटर का मतलब के कारण वैन रोहन से मिलने जाता है। वो वैन रोहन से मिलता है तो वैन रोहन उसे बताता है कि वो बहुत जल्दी इन आयरन को यूज़ करके पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब अटैक करना शुरू करने वाला है। वो एक आखिरी बार जिन क्लैन को ऑफर दे रहा है कि वो जिन क्लैन के साथ मतलब जिन क्लैन उसके साथ रहे, वहीं एक तरफ जिन गौनशान ये सुन के शॉक होता है, और वो उन्हें बोलता है कि ठीक है वो खुलकर उनके अगेंस्ट नहीं आएगा, यानी जब बाकी क्लैन उन्हें वॉर करेंगे तो वो उनके अगेंस्ट वॉर नहीं करेगा। इस बात पे वैन रोहन काफ़ी खुश होता है,
लेकिन जिन कौनशन बहुत तेज था वो जान पूछ के वैन रोहन से ये बोल के तो आ गया, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। उसका कारण कुछ बहुत बड़ा है जिसके बारे में अभी वैन रोहन और आधा कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं जानता है। लेकिन जिन गोनशान किसी भी हालत में वीक लैंड के अगेंस्ट नहीं जाएगा। उसका वीक लैंड की नज़रों में हमेशा गुडविल में रहना है, हमेशा वीक लैंड के सपोर्ट में रहना है। उसके दिमाग में ये बात तय है, इसलिए वो तुरंत वैन मतलब एक तरह से वी चांसे को एक लेटर भेजता है। वो वी चांसे को ही नहीं बल्कि बाकी सारे बड़े सेक्ट के एक तरह से सेक्ट लीडर्स को लेटर्स भेजता है, जिसमें मतलब जैन फैमिया और नी मिंजे और यहाँ तक कि लैंग कुरैन भी थे। लैंग कुरैन को लेटर भेजने का कारण उसकी बेटी थी, यानी जिन मिनी थी। जिन मिनी ने अपने फादर से बात करी थी, क्योंकि जिन गोनशान वहाँ से वापस आके अपने दोनों बच्चों को, जिन जुशान को और जिन मिनी से इस बारे में डिस्कस किया था। उन दोनों ने भी अपने फादर का सपोर्ट किया था। उन दोनों ने भी कहा था कि उन्हें बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अगेंस्ट जाके वैन रोहन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वैन रोहन बहुत गिरा हुआ इंसान है, क्या पता कल वो जिन क्लैन पे भी अटैक कर दे। वो जिन क्लैन का सगा है, इस चीज़ की क्या गारंटी है, जबकि वो अपने सगे ब्रदर को भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे सका जो एक भाई दूसरे भाई को देता है। यहाँ बात वैन जूलियो की हो रही है। वैसे तो इस मतलब जो ये सेक्ट लीडर की छुपके से मीटिंग हो रही है, इसमें वैन जूलियो को भी नहीं बुलाया गया है। वहीं जिन मिनी ने अपने फादर को बोला था कि लैंड क्लैन को बुलाना चाहिए, क्योंकि लैंड क्लैन में इस समय लैंड वांगजी है जो कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग वॉरियर है। अगर वॉर हो भी रही है तो लैंड वांगजी से ज़्यादा स्ट्रांग वॉरियर कोई नहीं है, तो लैंड वांगजी को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन मिनी की बात पे ही लैंग कुरैन को लेटर भेजा गया इस खास मैसेज के साथ कि वो अपने साथ अपने दोनों नेफ्यू लांग शिचैन और लांग वांगजी को लेके ज़रूर जिन क्लैन आए। अचानक से इस लेटर के आने से बाकी सारे क्लैन में एक अजीब सा माहौल बन गया। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न था जो इस तरीके से मतलब अचानक से जिन सेक्ट लीडर ने उन्हें बुलाया है। लेकिन सब लोग जानते हैं कुछ बड़ा ही हुआ होगा, इसी कारण ये चुपचाप से संदेश भेजा गया है जिसके बारे में अभी कुछ सब लोगों को बताया भी नहीं गया। ये सब लोग उस मीटिंग में मिलते हैं, एक एक करके यहाँ सब लोग आ चुके हैं जिनका वेट जिन गोनशान कर रहा था। अब जिन गोनशान सबके बीच में बोलना शुरू करता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे बुलाने पे यहाँ आने के लिए। इतने कम समय में अचानक से आपको यहाँ बुलाने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा संदेश था जो मैं आप सबको के साथ बांटना चाहता था। इस बात पे अब वी चांद से आगे आके जिन गोनशान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, घबराओ मत, सच बताओ क्या कारण है कि इस तरह से छुप के तुमने सबको यहाँ बुलाया है। हमें तुम्हारा इस तरीके से बुलाना थोड़ा घबराहट फील करवा रहा है, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ है। अब जिन गोनशान बोलना शुरू करते हैं वही जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है और हम सबके लिए भी, क्या हुआ है। अब जिन मतलब जिन गोनशान से एक्साइटमेंट में नी मिंजे पूछते हैं, अब वो बताता है कि वैन रोहन के पास इन आयरन आ चुका है, इन आयरन के कुछ टुकड़े वैन रोहन ने ले लिए हैं और अब वो उनके थ्रू पपेट आर्मी बना रहा है और बहुत जल्दी वो एक वॉर स्टार्ट करने वाला है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अगेंस्ट। वो अपने तीनों बॉर्डर्स पे उन पपेट आर्मी को खड़ा कर रखा है और धीरे धीरे से वो वहाँ पे अटैक शुरू कर देगा। इस बात को सुनने के बाद नीमिंजो और जैन जैन मतलब जियांग फॉरन के एकदम से मतलब फैनमिया के एकदम से पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया वैन क्लैन की दो साइड जो हैं वो इन दोनों ही क्लैन से जुड़ी हुई हैं। वो इस बात बोलते हैं वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसके अंदर उसे पहले से पता है ना, जब लैंड क्लैन पे उसने अटैक किया था तो उसने संधि की थी कि अब वो आगे से इस तरह का कुछ नहीं करेगा, वरना हम सब लोग मिलके उसको उसका मतलब उसके अगेंस्ट जाएंगे। इस बात पे अब जिन गोनशान अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल लेते हैं, तुम्हें लगता है उसे किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है? अगर उसे फ़र्क पड़ता तो वो इस तरीके से पपेट आर्मी बनाता, उसे हम में से किसी का डर नहीं है। पहले थोड़ा बहुत डर था तो सिर्फ वी चांसे का था, लेकिन अब उसे उसका भी डर नहीं है। उसे लगता है कि उसके पास इस समय इन आयरन का इतनी पावर है कि वो आराम से किसी भी को हरा सकता है। हम सब लोग मिलके भी उसे हराने जाएंगे तब भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे, इसी कारण मैं आप सबसे इस बारे में बात करने आया था। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं,
तभी वी चान से अपनी जगह से उठते हैं और बोलते हैं, अगर उसे ऐसा लगता है कि वो हमें हरा सकता है तो उसके लगने से कुछ नहीं होता है, असलियत हम सब जानते हैं। हाँ, एक मतलब एक लकड़ी को उठा के तोड़ेंगे तो लकड़ी आराम से टूट जाएगी, लेकिन जब कमज़ोर सी सात आठ लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो कितना भी जोर लगाएं वो टूट नहीं पाती हैं। यही अब हम करेंगे। वो सोच रहा होगा कि वो एक एक करके हम सबके क्लैन पे अटैक करेगा और हम सबको हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि हम सब लोग एक साथ उस पर अटैक करेंगे। हम तीनों तरफ से उस पर अटैक करेंगे, तीनों तरफ से उसे महसूस करवाएंगे कि हम उसके खिलाफ एक साथ हैं। इस बात पे अब वो अपने बाकी सारे साथियों की तरफ देखते हैं और बीचों बीच आके खड़े हो जाते हैं और वी चांद से बोलते हैं, मैं वी चांद से आज अभी इसी वक्त आप सभी को अपनी तरफ से एक ऑफर दे रहा हूँ कि मैं आप उस वे अपने वैन रोहान के खिलाफ एक वॉर स्टार्ट करने वाला हूँ। उसने पहले भी एक बहुत बड़ी गलती करी थी, लेकिन तब मैं किसी परिस्थिति में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने उसे उस समय एक कहते हैं ना लाइफ चांस दे दिया था, जीवन दान दे दिया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा क्योंकि उसने मेरे सबसे प्यारे दोस्त की जान ली थी, उसने मेरे दोस्त को मारा था, लैंडलाइन को बर्बाद किया था, और अब वो ये सब बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ करने वाला है जो कि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या आप सब लोग मेरा साथ देंगे? इस बात पे अब जैन फैमिया नी मिंजे, यहाँ तक कि लांग कुरैन और लान शी चैन और लैम रांग जी भी उनके साथ आगे के बोलते हैं, हम आपका साथ ज़रूर देंगे। जिन गुआनशान भी बोलते हैं, मैं तो पहले से ही आपके साथ हूँ, तभी मैंने ये मीटिंग करी थी, हम सब लोग मिलके उसे महसूस करवा देंगे कि हम सब एक हैं और वो हम सबको इस तरीके से हरा नहीं सकता है। अब वैन वी चांद से बोलते हैं, अभी के अभी बाकी मतलब एक तरह से कल्टीवेशन वर्ल्ड को बाकी क्लैंस में भी खबर पहुंचा दी जाए, और हाँ सू क्लैन को ये खबर ना पहुंचाई जाए क्योंकि मुझे मेरे गुप्त सूचक से पता चला है कि सुक्लैन वैन रोहान से पहले ही मिला हुआ है, तो उन्हें अब तक इस चीज़ की खबर ना पहुंची। उसके अलावा अब हम सब लोग अपने अपनी तरफ से अपनी अपनी आर्मी को ट्रेन करेंगे और मौका मिलते ही उस वैन रोहान के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इस बात पे अचानक से नी मिंजे बोलते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम सब की जब एक साथ सारी आर्मी इकट्ठी होकर वैन रोहान के अगेंस्ट जा रही है तो हमें एक सेनापति को हायर करना चाहिए? हम सब अपने अपने क्लैन के कामों में रहेंगे, अपने अपने क्लैन को भी संभालेंगे, सिर्फ वॉर के मतलब सिर्फ वॉर ही नहीं है, हम लोगों के पास और भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो इस समय हमें एक स्ट्रॉन्ग सेनापति की भी ज़रूरत है। हमें आज इस समय एक सेनापति को भी मतलब सोचना चाहिए। इस बात पर जैन फेमिया बोलते हैं, मेरा बेटा जंचा, क्यों ना जंचा को सेनापति बनाया जाए? आजकल ये सारे हायर्स अपनी अपनी कल्टीवेशन स्किल सीख के आए हैं और एक बहुत स्ट्रांग वॉरियर्स हैं। इन हम अपने अपने क्लाइंट की तरफ से अपने अपने हायर्स को इस वॉर के लिए भेजेंगे और उन्हें लीड चुना जंचा करें। इस बात पे जहाँ बहन वी चांद से थोड़ा सोच में थे, वहीं जिन गौनशान आ गया के बोलते हैं, नहीं आपका बेटा नहीं बल्कि लैन कैन से लैन वांग जी, हम लान वांग जी को सेनापति बनाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं लान वांग जी इस समय का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। जो पावर हमारे हंगवन जुन के पास है, जो इतनी इस कल्टीवेशन स्किल हंगवन जुन के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। अगर वो सेना को नेतृत्व करेंगे तो हमारी सेना का जितना तय है। इस बात पे लान कुरैन और लान शी चैन को बहुत प्राउड फील होता है कि सब लोग वांग जी के बारे में ये सोचते हैं। वहीं वांग जी भी आगे आके बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं जैन सेक लीडर, मैं खुद सेनापति बनना चाहता हूँ, मैं खुद ये वॉर में लीड करना चाहता हूँ। जिस इंसान ने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया, हम दोनों भाइयों को अनाथ बना दिया, उस इंसान को मैं खुद सजा देना चाहता हूँ, मैं सेनापति बनना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद वो सर झुका के वी चांसे के आगे आ जाते हैं क्योंकि इन सब के लीडर इस समय वी चांसे हैं, तो वी चांसे की हाँ के बाद ही वो सेनापति बनेगा। वी चांसे मन से तो नहीं चाहते कि वांग जी को वो इस वॉर में इस तरीके से सबसे फ्रंट पर भेज दे, लेकिन वो जानते हैं कि वांग जी के अंदर जो पावर है, वांग जी के अंदर जो जुनून है, वांग जी के अंदर जो एक कल्टीवेशन स्किल की नॉलेज है, वो किसी और में नहीं है।
तो वो भी इस बात पे अग्री हो जाते हैं। यहाँ पे तय किया जाता है कि ये सब लोग अपने अपने सेक्ट जाएंगे, अपने अपने सेक्ट से अपने अपने हायर्स को वहाँ भेजेंगे वॉर के लिए, वॉर की तैयारी के लिए एक तरीके से स्पेशल ट्रेनिंग की जाएगी जो अभी छुप के इन सब के हायर्स करेंगे वॉर के लिए। इसके बाद वी चांस है और सारे सेक्ट लोग के लोग अपने अपने प्लान के लिए निकल जाते हैं। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, एक साइड वॉर होने वाली है, दूसरी साइड वेन और वांग जी के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या अब वांग जी वेन से मिलने जा पाएगा या वो पहले ही बिना मिले वेन से वॉर की तरफ ना चला जाए? क्या होगा उसके लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। जैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए। बाकी वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को भी देखिए। और हाँ, अगर ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके मुझे अपना प्यार तो ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू।